अभी मैं नाया का ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ एंड मैं नाया के लिए बना रही हूँ सूजी का चीला, जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अंदर मैं वेजिटेबल्स भी ऐड करती हूँ नाया के लिए, टोमेटो एंड अनियन। नाया को ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। आईफोन का वो दे रहा है थोड़ा सा ना, हाँ आईफोन टाइप। क्या किया नू? ये मैंने इसको छोले दिए थे, मैं किचन में काम कर रही थी और देखिए नाया ने क्या किया। चलो नहाना पड़ेगा अब आपको, चलिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड की रसमलाई, और इसके लिए मैंने 2 कप दूध ले लिया है। एंड मेरे पास कस्टर्ड पाउडर नहीं था, तो मैं यहाँ पर मिल्क मेड ऐड कर रही हूँ। एंड ये मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है इसमें। जितना भी आपको मीठा पसंद हो आप उतना ले सकते हो। एंड कलर के लिए मैं यहाँ पर केसर का यूज़ कर रही हूँ। इसी के साथ ऐड कर देंगे 2 सफ़ेद इलायची। इसको 4 से 5 मिनट तक गैस पर ऐसे ही पकने देंगे। एंड साइड में मैं यहाँ पर कॉर्न फ्लोर ऐड कर रही हूँ। एंड इसको थोड़े से दूध में मैं मिक्स कर लूँगी। एंड बहुत अच्छा एकदम कस्टर्ड पाउडर वाला फ्लेवर ही आता है। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप इस तरह से भी इसको क्रीम को बना सकते हैं। या मैंने कॉर्न फ्लोर जो है वो ऐड कर दिया है। एंड ये देखिए बहुत अच्छे से पक कर ये तैयार हो गई है और इस पर मलाई जमने लगी है। थोड़ा सा मैं और पकाऊंगी और इसको फ्रिज में, पहले मैंने इसको ठंडा कर दिया था बाहर, एंड फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए, जिससे ये और अच्छे से सेट हो जाएगी। इसके बाद मैं 4 स्लाइसेस ले लूँगी होल व्हीट ब्रेड के, और इसके मैं साइड से एजेस जो हैं वो उसको रिमूव कर दूँगी। एंड इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। एंड इसके बाद हमें इसमें क्या फिल करना है, इसके लिए आपको फ्रेश दूध की मलाई चाहिए होगी। एंड उसके अंदर शुगर ऐड कर दीजिएगा, शुगर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। एंड इसको अच्छे से मिक्स करके हमने जो ब्रेड के स्लाइसेस कट किए हैं उसमें फिल करेंगे। बीच में ये इसकी ये फिलिंग है और रसमलाई की बहुत टेस्टी बन के आती है ये। एंड दूसरे वाले जो ब्रेड है उससे इसको कवर कर देंगे। एंड इसको 4 पीसेस में मैं कट कर लूँगी। एंड फ्रेंड्स, इसको डिप करने के लिए मैं एक बोल में मिल्क एंड शुगर मिक्स करके रख लूँगी। एंड एक एक पीसेस को अच्छे से डिप करेंगे। डिप करने के बाद डायरेक्टली मैं यहाँ पर सर्विंग बोल में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ इन सारे पीसेस को। एंड इसके ऊपर से हमने जो क्रीम तैयार की थी, जो मैंने फ्रिज में ठंडी होने के लिए रखी है, उसको मैं ऐड कर दूँगी ऊपर से। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर आती है ये रसमलाई। एंड आप लोग घर पर रमज़ानों में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। एंड इसके ऊपर से अब मैं सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी जो भी मुझे पसंद है। एंड इसमें पिस्ता वगैरह सब कुछ है। और ये आपकी रसमलाई हो गई है रेडी। आप चाहें तो इफ्तार के टाइम तक आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ठंडी ठंडी रसमलाई आप इस रमज़ान इंजॉय कीजिए। एंड आपको रेसिपी पसंद आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से रमज़ान की एक न्यू रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। इसके बाद मैंने बनाए थे दही आलू। ये बॉयल आलू हैं, इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। इस पर नमक और चाट मसाला मैंने डाल दिया था। एक सर्विंग बोल में इसको ट्रांसफ़र करके इसके ऊपर दही, हरी चटनी, सोट डाल दी थी। एंड सारी वेजिटेबल्स, टमाटो, अनियन एंड सब कुछ डाल के इसको इंजॉय किया था। आलू रसमलाई कैसी है? तो फ्रेंड्स, अब हो गया है इफ्तार का टाइम। एंड ये रही वो चाट जो मैं आपको बता रही थी, दही आलू एंड फुल्की एंड रसमलाई। मेरा आज का जो इफ्तार है उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। एंड यहाँ पर मैंने मोहितो बनाया है एंड बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। अनु चलिए अब सो जाइए, इफ्तार हो गया, अब बनाए सोएगी ना? यस सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है 11:30 और मैं इशा के बाद सो गई थी, मैं और अनाया दोनों। और अनाया अब उठ गई है अपनी नींद पूरी करके 2 घंटे की। तो अभी हम लोग शायद सैरी तक जागेंगे क्योंकि अनाया का जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा चेंज है। और ठीक है, फिर अब अनाया को मैं खाना खिलाती हूँ। दाल जो है वो गर्म हो गई है, उनके लिए काफ़ी दाल गर्म हो गई। अनु क्या करेगा? ओके मम्मा।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब सैरी का टाइम हो गया, मैं सैरी बनाने जा रही हूँ। एंड आज मैंने मिक्स वेज के साथ पराठे बनाए हैं एंड बहुत ज़्यादा मन हो रहा था मेरा। एंड अब मैं सैरी कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं पढ़ूँगी फर्स्ट एंड उसके बाद मैं सो जाऊँगी।